हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। बस यहाँ पर हम जो वेरी फर्स्ट स्टेप था, स्टेप नंबर था हमारा 1, कंप्यूटेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट क्या होता है। प्लीज़ ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है, मगर ये श्योरिटी है इस वीडियो के बाद आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो थोड़ा सा मतलब फोकस आपको करना है, जो जो मैं स्टेप्स बोलता जाऊं, जो जो पॉइंट मैं बोलता जाऊं, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, दोबारे से वीडियो को सुन लेना, मगर स्किप नहीं करना, ठीक है? तो फर्स्ट, नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि इसमें कुछ बेसिक रूल है, थोड़े से रूल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मगर याद नहीं करना, इसको आप इजिली समझ लोगे। जैसे फर्स्ट का मतलब क्या होता है, मैं किसी भी टर्मिनल का फर्स्ट निकाल सकता हूं और किसी भी नॉन टर्मिनल का। प्लीज ध्यान रखना, ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, ग्रामर में प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन में टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल होता है, ठीक है? तो हम जो फर्स्ट निकालेंगे वो या तो टर्मिनल का भी फर्स्ट निकाल सकते हैं या नॉन टर्मिनल का। तो यहां पर लिखा है हमने, फर्स्ट ऑफ अल्फा दैट इज ए सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल दैट आर द फर्स्ट सिंबल अपियरिंग एट द राइट हैंड साइड इन डेरिवेशन ऑफ अल्फा। मतलब क्या है यहां पर, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालना है, तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन है दैट इज ए सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल दैट आर द फर्स्ट सिंबल अपियरिंग एट द राइट हैंड साइड इन डेरिवेशन ऑफ अल्फा। तो लाइक हम यहां पर अल्फा टेंस टू, ये कह रहा है कि कोई भी इस टाइप की प्रोडक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या होगा? फर्स्ट ऑफ अल्फा होगा क्या कि दैट इज ए सेट ऑफ टर्मिनल, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल होगा दैट आर द फर्स्ट सिंबल अपियरिंग एट द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो भी हमें फर्स्टली दिख जाएगा वो फर्स्ट ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है हमें? ए। तो फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? प्लीज ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट निकाल रहे हैं, ठीक है? और कहां से निकल के आ रहा है ये? उसी की प्रोडक्शन में, राइट हैंड साइड में, जो भी डेरिवेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू द ए, ठीक है? सो इस टाइप से हम फर्स्ट निकालेंगे। ये जस्ट मैंने मीनिंग समझाने के लिए आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि हम इसके यही छोड़ देंगे, यही इसका मीनिंग है, नहीं, ये दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द फर्स्ट। देन वी गो टू नंबर ऑफ स्टेप्स, वी हैव मेनली 3 स्टेप्स, और यू कैन से, मैं ये कहूंगा कि ये स्टेप ना होके बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो इन पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम कि क्या मीनिंग है। जैसे कि वेरी फर्स्ट रूल आ रहा है हमारा, रूल फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट, रूल्स फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट। पहला रूल है कि अगर, बहुत ही सिंपल है, प्लीज थोड़ा सा फोकस करना, ये 3 स्टेप्स जो है, इफ द टर्मिनल सिंबल ए देन द फर्स्ट ऑफ ए इक्वल टू ए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कोई भी प्रोडक्शन है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था फर्स्ट का मतलब है कि हम फर्स्ट किसका निकालेंगे, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं हमारे स्मॉल ए लेट, स्मॉल लेटर्स, ए बी सी डी अप टू जेड, कोई भी ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सो ऑन, कोई भी ब्रैकेट, दीज आर द टर्मिनल्स, ठीक है? सो दीज आर द टर्मिनल्स, ये हमारे होते हैं टर्मिनल्स, ठीक है? हम टर्मिनल का भी फर्स्ट निकाल सकते हैं और नॉन टर्मिनल का भी फर्स्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी, पहला रूल क्या दे रहा है कि कोई भी टर्मिनल है उसका फर्स्ट निकालना है, तो इटसेल्फ वही होगा, किसी भी आएंगे आगे क्वेश्चन आएंगे, इटसेल्फ मतलब मान लो प्लस का फर्स्ट निकालना है तो प्लस ही होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जो टर्मिनल टेंड्स टू नॉन टर्मिनल हो, ठीक है ना? तो प्रोडक्शन में नहीं बोल रहा है ये, पहला रूल सिंपल क्या कह रहा है, किसी भी टर्मिनल का फर्स्ट इटसेल्फ वही होगा, ठीक है? अब नॉन टर्मिनल की बात करते हैं हम, ये कह रहा है कि मान लो प्रोडक्शन दे रखी है, सेकंड रूल क्या कहता है, इफ देयर इज ए रूल एक्स टेंस टू नल देन फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल टू नल। क्योंकि देखिए आपके पास काफी ऐसी प्रोडक्शन आएगी, तो ये कह रहा है इस टाइप का, देखिए ये रूल का मतलब है पॉसिबिलिटीज, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी आपके अप्लाई हो सकती है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम, ठीक है? तो अभी बस सिर्फ और सिर्फ फोकस करो, आप जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। अगर ये कहता है इस टाइप की कोई भी प्रोडक्शन आ जाए एक्स टेंस टू नल, तो फर्स्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा,
एक्सटेंड्स टू नल है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है वो इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर द रूल ए टेंड्स टू एक्स वाई जेड, जो तीसरा रूल है वो मेन रूल है। फॉर द रूल ए टेंड्स टू एक्स वाई जेड, देखिए राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, पहली प्रॉपर्टी तो बोली टर्मिनल के लिए, दूसरा प्रॉपर्टी बोली हमारा नल सिंबल के लिए, तीसरी प्रॉपर्टी बोल रहा है नॉन टर्मिनल आ जाए। राइट हैंड साइड में भी नॉन टर्मिनल आ गया, देखिए पहले में तो टर्मिनल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरे में नल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरे में यहां पर क्या आ गया भाई, राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल आ गया, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, हम राइट हैंड साइड का जो वेरी फर्स्ट नॉन टर्मिनल है उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन देखेंगे, मतलब उसका फर्स्ट देखेंगे, एक्स का फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं एक्स टेंड्स टू वाई जेड है, ठीक है, और वाई टेंड्स टू स्मॉल ए है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कह रहा है हमारा, थर्ड रूल कह रहा है कि अगर एक्स टेंड्स टू वाई जेड आ जाए, ए टेंड्स टू एक्स वाई जेड आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में प्लीज ध्यान रखना, उस केस में होगा क्या कि यहां पर जो फर्स्ट निकालना है हमें वो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट निकलेगा, तो सेम ईयर यहां पर फर्स्ट ऑफ एक्स निकलेगा, फर्स्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ध्यान रखना, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का वेरी फर्स्ट सिंबल जो भी है, वेरी फर्स्ट सिंबल क्या है हमारा, वाई, वाई इज ए नॉट ए टर्मिनल, वाई इज नॉट ए टर्मिनल तो दैट इज ए नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल का फिर फर्स्ट देखेंगे हम। ठीक है, आई रिपीट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्स टेंड्स टू वाई जेड है, एक्स का फर्स्ट निकाल रहे हैं हम, तो राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल, नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल आए हुए हैं, तो पहला नॉन टर्मिनल को देखेंगे हम, पहले नॉन टर्मिनल को देखेंगे, उसका जो भी फर्स्ट होगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ वाई। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ वाई क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट लगा लो, सेकंड लगा लो, कोई भी रूल लगा लो, फर्स्ट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो टर्मिनल है, टर्मिनल क्या आया हुआ है, सिंपल ए आया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ वाई क्या हो जाएगा हमारा ए, तो फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एक्स होगा फर्स्ट ऑफ वाई, तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ एक्स भी ए हो जाएगा और फर्स्ट ऑफ वाई भी ए हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे क्या क्या मैं मीनिंग बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सारी पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं डियर, एग्जाम्पल है हमारा लाइक ई टेंस टू टी ई डैश, ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश ऑब्लिक नल, नेक्स्ट है टी टेंस टू एफ टी डैश, टी टेंस टू स्टार एफ टी डैश ऑब्लिक नल, एफ टेंस टू आई डी, ये कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, प्लीज ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिव LL1 पार्सर की, प्रिडिक्टिव LL1 पार्सर तभी अप्लाई होगा जब ना तो इसमें एम्बिग्यूटी होगी, ना ही लेफ्ट रिकर्जन होगा ना ही लेफ्ट फैक्टरिंग होगी, तीनों ही इसमें नहीं है। ठीक है, और बैक ट्रैकिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें, आप करके देख लेना, ना तो यहाँ पर लेफ्ट रिकर्जन आ रहा है ना ही लेफ्ट फैक्टरिंग है, ना ही यहाँ पर बैक ट्रैकिंग है और ना ही यहाँ पर एम्बिग्यूटी है। ठीक है, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं फर्स्ट, अब देखिए वन बाय वन देखते हैं, पहली प्रोडक्शन को पिक करेंगे हम, ई टेंस टू टी ई डैश, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर, देखिए तीन रूल थे हमारा, पहला रूल था किसी भी टर्मिनल का फर्स्ट, जैसे कि प्लस का फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल पहला रूल ये था। दूसरा रूल क्या था, अगर अल्फा टेंस टू नल है तो फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या था, सिंपल कि अगर मान लीजिए ए टेंस टू एक्स वाई जेड है तो फर्स्ट ऑफ ए क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ एक्स। ठीक है, यूनियन, यूनियन क्यों लिखा था यहां पर, नंबर ऑफ चॉइसेस हो सकती है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए नल आ गया, मान लीजिए यहां पर नल आ गया कहीं पर भी, ठीक है, एक्स की दो अल्टरनेटिव है, एक अल्टरनेटिव से तो फर्स्ट निकल गया, दूसरा अल्टरनेटिव नल है,
तो अगर ये नल हो गया तो नल कंकेटिनेट विद एनीथिंग क्या हो जाएगा, वाई जेड रह जाएगा। फिर वाई की प्रोडक्शन देखेंगे, वाई भी नल है तो फिर जेड की प्रोडक्शन देखेंगे, जेड भी नल है तो ओवरऑल क्या हो गया, ये नल हो गया ना। तो ए टेंस टू क्या आ जाएगा, अल्फा, ए टेंस टू नल, ए टेंस टू नल मतलब सेकेंड रूल लग जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस टाइप से हम फर्स्ट निकालते हैं। तो यहां पर प्लीज ध्यान रखना, वन बाय वन मैं फर्स्ट निकालता जाऊंगा। जैसे कि यहां पर पहले फर्स्ट ऑफ ई निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ई किससे निकलेगा, इससे। फर्स्ट ऑफ ई क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल क्या आया हुआ है, टी आया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, टी इज ए नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। अगर ये टर्मिनल होता, फॉर एग्जाम्पल ई टेंस टू क्या होता, ए ई डैश होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ई क्या हो जाता, सिंपल, जब कभी भी फर्स्ट निकाल रहे हो तो राइट हैंड साइड का जो वेरी फर्स्ट सिंबल है वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है ये चेक करना है। अगर ये टर्मिनल है तो सिंपल फर्स्ट ऑफ ई क्या हो जाता, ए हो जाता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि टर्मिनल का फर्स्ट क्या होता है, पहले रूल के अकॉर्डिंग टर्मिनल होता है। तो ये क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्मिनल का फर्स्ट टर्मिनल ही होता है, तो टर्मिनल ये खत्म हो जाएगा यहां पर। फिर हम ई डैश में नहीं जाएंगे, ई डैश में कब जाएंगे, जब ये नल होता। मान लो यहां पर नल हो जाता, नल कुछ होता तो ई डैश का फर्स्ट देखते हम। बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे अभी एग्जाम्पल से जब ज्यादा क्लियर होगा आपको, धीरे धीरे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ई टेंस टू टी ई डैश है, ठीक है, ई टेंस टू टी ई डैश है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर क्या आया हुआ है, ई के कोरस्पॉन्डिंग टी ई डैश आया हुआ है। ये टी जो है ना वो नॉन टर्मिनल है, ये टी नॉन टर्मिनल की वजह से यहां पर क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑफ टी। ठीक है, अब टी की प्रोडक्शन देखेंगे, देन गो टू द टी प्रोडक्शन, टी का फर्स्ट क्या निकल जाएगा, यहां से क्या निकल के आ रहा है, टी का फर्स्ट, टी का फर्स्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में वेरी फर्स्ट सिंबल। लेफ्ट मोस्ट सिंबल क्या है, एफ, एफ अगेन नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल है तो सिंपल क्या लिख दो, फर्स्ट ऑफ एफ। ठीक है जी, वेरी गुड। फिर उसके बाद अभी अगेन ये नॉन टर्मिनल आ गया, नॉन टर्मिनल आ गया तो एफ की प्रोडक्शन देखेंगे। अब एफ की प्रोडक्शन देखिए यहां पर क्या आया हुआ है, एफ टेंस टू आई डी। तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा, यहां से अगर मैं देखूं प्रोडक्शन में आई डी क्या है, एक टर्मिनल है, तो ये तो कौन सा रूल लग गया, सिंपल ये वाला रूल मैंने अभी आपको बताया था, अगर लेफ्ट मोस्ट सिंबल में टर्मिनल आ जाए तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आई डी हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चॉइस के लिए मैंने कोमा लगाया कि यहां पर दूसरी चॉइस भी है, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी चॉइस क्या है, ब्रैकेट ऑफ ई क्लोज ब्रैकेट। तो यहां पर देखिए एफ के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट है, फिर ई है, फिर क्लोज ब्रैकेट है, तो तीन चीज आई हुई है। तो एफ के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर देखें फर्स्ट ऑफ एफ हम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, पहला क्या आया हुआ है, राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल क्या आया हुआ है, टर्मिनल, तो टर्मिनल आया हुआ है तो सिंपल ओपन ब्रैकेट हमारी यहां आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? आगे नहीं जाएंगे हम, क्यों, क्योंकि जो टर्मिनल मिल गया हमें, पहले ही टर्मिनल मिल गया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट मोस्ट सिंबल हमारा टर्मिनल अगर मिल जाता है तो हम रुक जाएंगे वहीं, आगे नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो सिंपल, अब फर्स्ट ऑफ एफ निकल गया, फर्स्ट ऑफ एफ को कहां कॉपी कर देंगे हम, अभी हमने देखा था ना फर्स्ट ऑफ टी किसके इक्वल था, फर्स्ट ऑफ एफ के, तो फर्स्ट ऑफ एफ जो भी है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ टी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ आई डी और ओपन ब्रैकेट, ये यहाँ कॉपी हो गया। और जो फर्स्ट ऑफ टी आ गया, फर्स्ट ऑफ टी किसके अंदर आना चाहिए था, फर्स्ट ऑफ ई के अंदर, तो यहां भी क्या आ जाएगा, आई डी और ओपन ब्रैकेट। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की। तो और भी एग्जाम्पल देखेंगे, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है इसके ऊपर, तो ट्राई कर रहा हूं मैं कि आपको इस एग्जाम्पल से सारी पॉसिबिलिटी कवरअप हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए जितने भी नॉन टर्मिनल है ना सबका फर्स्ट निकालना है। तो नॉन टर्मिनल कौन कौन से है, यहाँ पर ई है, ई डैश है, टी है, टी डैश है और एफ है। फर्स्ट ऑफ ई निकल चुका है, फर्स्ट ऑफ टी निकल चुका है और फर्स्ट ऑफ एफ निकल चुका है। डजेंट मैटर कि वो सेम है डिफरेंट है, हमें निकालना है, फाइनली फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या रह गया, हमारा ये निकल चुका है, टी निकल चुका है और एफ निकल चुका है। अब हमारा क्या रह गया, ई डैश,
और टी डैश। तो अगेन फर्स्ट ऑफ हम क्या निकाल देंगे, ई डैश। देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ई डैश के लिए क्या होगा, ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश ऑब्लिक नल। तो दो चॉइस है, दोनों में वन बाय वन पिक करेंगे। तो पहली चॉइस के लिए हम राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल क्या मिल रहा है हमें, टर्मिनल मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश में क्या आ जाएगा, टर्मिनल, सिंपल। ठीक है जी, वेरी गुड। उसके बाद ई डैश टेंस टू क्या है, नल है, तो दूसरा रूल लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या हो जाता है, नल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा, नल। तो यहां पर नल भी ऐड हो जाएगा, सिंपल। फर्स्ट निकालना बहुत सिंपल है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट ऑफ टी डैश। फर्स्ट ऑफ टी डैश अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ टी डैश, टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश ऑब्लिक नल। तो यहां पर दो चॉइस है, पहली चॉइस लेंगे हम, फिर दूसरी चॉइस लेंगे। पहली चॉइस में टी डैश टेंस टू क्या दे रखा है, स्टार एफ टी डैश ऑब्लिक नल। तो यहां पर लेफ्ट मोस्ट सिंबल क्या मिल रहा है हमें, टर्मिनल मिल रहा है, स्टार। ठीक है, आगे हम नहीं जाएंगे इस चॉइस के लिए, दूसरी चॉइस लेंगे। टी डैश टेंस टू क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। तो टी डैश टेंस टू नल, इसका मतलब है सिंपल, दूसरा रूल क्या कहता है, नल को पिक कर दो। तो हमारा फर्स्ट ये भी निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, टी डैश निकल गया और एफ निकल गया। तो सबका हमारे पास फर्स्ट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो फुली आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट बहुत सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, टर्मिनल का फर्स्ट टर्मिनल ही होता है इटसेल्फ। कभी भी राइट हैंड साइड में नल दिया हुआ है, सिर्फ नल दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल। थर्ड है हमारा कि राइट हैंड साइड में सारे नॉन टर्मिनल आए हुए हैं, तो पहले वाला जो भी है वो नॉन टर्मिनल को पिक करेंगे, उसका जो फर्स्ट होगा उसमें कॉपी हो जाएगा। अगर वहां पर कहीं पर भी नल आया हुआ है, फिर हम दूसरे नॉन टर्मिनल को पिक करेंगे, तो उसमें जो भी फर्स्ट होगा वो कॉपी होगा ए में। इन केस फर्स्ट ऑफ वाई में भी नल आया हुआ है कहीं पर, ठीक है, तो फिर जेड पर मूव करेंगे हम। तो वहां पर हम देखेंगे कि वो फर्स्ट ऑफ जेड क्या है, अगर फर्स्ट ऑफ जेड में नॉन टर्मिनल सॉरी टर्मिनल्स आए हुए हैं तो सारे के सारे ए में कॉपी हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ए में। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑफ जेड में कहीं पर नल आया हुआ है, तो उस केस में तीनों के केस में नल आ चुका है, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द सिंपल रूल व्हेन वी हैव फाइंड आउट द फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट आपको होपफुली समझ में आ गया, फॉलो में बहुत ही सिंपल दो या तीन रूल है, मैं उसको दो रूल से समझा दूंगा आपको, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। थोड़ा सा आपको फोकस करना है, इसी एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग हम फॉलो निकालेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।